Hello everyone welcome back to the channel last minute revision with RSM and

नाउ पेंशन uh, जो होता है नॉर्मली हम जानते हैं पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता है लेकिन पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो यूजुअली हम जानते हैं कि पेंशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है लेकिन अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में दो टाइप के पेंशन आपको यूजली आएंगे नंबर वन विल बी कम्यूटेड पेंशन एंड नंबर सेकेंड इज अनकम्यूटेड पेंशन तो पहला जो हमारा पेंशन होता है दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेड और जो सेकंड टाइप का पेंशन होता है कॉल्ड तो कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन एंड अनकम्यूटेड पेंशन की बात करें तो अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है मंथली uh, पेंशन तो अभी किस तरीके से ये एग्जेपन्स है उसके बारे में स्क्रीन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम प्रॉपरली आपको सारे रूल्स बताऊंगा तो दूसरी बात है हम पहले ग्रेचुअटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं लेकिन दोनों चीजों के रूल्स आपको मैं ऑन स्क्रीन एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहली चीज है ग्रेचुअटी तो यूजली अगर हम ग्रेचुअटी की बात करें तो ग्रेचुअटी क्या होता है ग्रेचुअटी किसी भी पर्सन को रिटायरमेंट के बाद मिलता है मतलब ग्रेचुअटी एक ऐसा मॉनिटरी कंसिडरेशन है वो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्विस के बदले में कुछ साल की सर्विस के बदले में के बाद जितने साल के बाद वो रिटायर्ड हो रहा है

पेंशन के बारे में डिस्कस करें तो पेंशन आप सभी को पता है पेंशन रिटायरमेंट के बाद किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाता है तो पेंशन की अगर बात करें तो पेंशन में यहाँ पे अगर हम टैक्सेशन के बेसिस पे अगर काउंटिंग करें तो टैक्सेशन के बेसिस पे दो टाइप के पेंशनस आपको याद रखने हैं और ये दो टाइप के जो पेंशनस होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्जैक्टली exactly कि दो टाइप के पेंशन कैसे होते हैं क्या क्या पॉइंट्स उसमें आपको ध्यान में रखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से समझ ले ये पेंशन के कंसेप्ट को ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली कि पेंशन में क्या क्या चीज़ें कवर होती है तो इफ़ यू सी द फर्स्ट टाइप ऑफ पेंशन तो इट इज़ कॉल्ड एज कम्यूटेड ठीक है कम्यूटेड पेंशन ध्यान से समझना एक होता है कम्यूटेड पेंशन और दूसरा हमारा जो कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड पेंशन तो वन इज कॉल्ड एज कम्यूटेड पेंशन एंड अनदर इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड कम्यूटेड में आपको क्या याद रखना है कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम पेंशन और अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली या पीरियोडिकल पेंशन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट एक होता है लमसम और एक होता है आपका मंथली पेंशन अगर हम हमारे फर्स्ट पार्ट की बात करें अनकम्यूटेड पेंशन की बात करें तो इट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल दी एम्प्लॉयज तो ये क्या है ये टैक्सेबल है और अगर हम हमारे कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो इसमें भी आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है इसमें भी दो चीज़ें आती है और ये भी दो चीज़ें कौन सी है ध्यान से समझ लेते हैं एक बार ताकि ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पॉइंट जो है वो क्लियर हो पाए और आपको पता चले एग्जैक्टली exactly कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो अगर हम कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो उसमें भी हमारे दो पॉइंट्स आते हैं सबसे पहला हमारा होता है दोज रिसीविंग ग्रैचुअल्टी ठीक है यहां पे मैं लिख रहा हूं ध्यान से समझ लेना दोज रिसीविंग ग्रैचुलिटी इसका मतलब जिनको ग्रैचुअलिटी मिल रही है उसका मतलब है ग्रेचुअलिटी जिनको मिल रही है और इन सेकेंड जो कैटेगरी है उसमें है दोज नॉट रिसीविंग ग्रैचुअलिटी दोज नॉट रिसीविंग ग्रैचुअलिटी अभी अभी अग, इसमें सिंपल चीज है तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है सबसे पहले आपको याद रखना है कि पेंशन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है वन इज कॉल्ड एज कम्यूटेड एंड अनदर इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम पेंशन एंड अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली या पीरियोडिकल पेंशन ये जो मंथली या पीरियोडिकल पेंशन है ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयी दोनों के लिए क्या होता है टैक्सेबल होता है और अगर हम कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो कम्यूटेड जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एग्जेप्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है एग्जेम्ट होता है और ये जो होता है ये प्राइवेट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए टैक्सेबल होता है लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ में भी दो कंडीशंस आ सकते हैं वन इज़ दोज रिसीविंग ग्रेचुअलिटी एंड अनदर इज़ दोज नॉट रिसीविंग ग्रेचुअलिटी ठीक है तो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है जिनको भी ग्रेचुअलिटी मिल रही है जिनको भी ग्रेचुअलिटी मिल रही है उनके लिए आपको रूल याद रखना है वन थर्ड ऑफ कम्यूटेड पेंशन ठीक है क्या यह रूल रूल याद रखना है वन थर्ड ऑफ कम्यूटेड पेंशन जो होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट एंड दोज हु आर नॉट रिसीविंग ग्रेचुअलिटी उसके लिए आपको याद रूल, रूल याद रखना है हाफ ऑफ कम्यूटेड पेंशन क्या यह रूल याद रखना है हाफ ऑफ कम्यूटेड पेंशन मतलब जिनको भी ग्रेचुअलिटी मिल रही है उनको वन थर्ड का एग्जम्पन मिलेगा एंड जिनको ग्रेचुअटी नहीं मिल रही है उनको हाफ का एग्जेपन मिलेगा तो दैट इज़ दी कंसेप्ट ऑफ पेंशन आई होप कि आपका पेंशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ है सेक्शन टेन 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 ए के अंदर ये पेंशन जो है वो एग्जेम्शन होता है तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा और कम्यूटेड पेंशन है तो फुल्ली एक्जैम्प्ट अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो वी हैव टू कैटेगरीज इन दैट दो रिसीविंग ग्रेचुरिटी एंड दो नॉट रिसीविंग ग्रेचुरिटी अगर उसको ग्रेचुरिटी मिल रही है तो वन थर्ड एग्जेप्ट हो जाएगा अगर उसको ग्रेचुरिटी नहीं मिल रही है तो हाफ एक्ज हो जाएगा ध्यान रखना है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कंसेप्ट पेंशन अगर हम आगे अभी ग्रेचुअटी की बात करें थोड़ा सा ग्रेचुअरिटी का भी रूल याद रख लेंगे कि एग्जैक्टली exactly ग्रेचुईटी जो होता है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सो अभी हम ग्रेचुईटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ग्रेचुईटी की अगर हम बात करें तो ग्रेचुअटी दो लोगों को मिल सकता है सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ग्रेचुईटी किसको मिलता है तो ग्रेचुईटी दो लोगों को मिल सकता है सो so, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है हमारा प्राइवेट एम्प्लॉय तो आपको याद रखना है ग्रेचुईटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है दैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड तो ग्रेचुअटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या है एग्जेम्ट है ठीक है पूरा का पूरा क्या है एग्जेप्ट है अगर प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करें तो उसमें हमारे दो कंडीशंस होते हैं एक होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटीज एक्ट एप्लीकेबल ठीक है पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटीज एक्ट एप्लीकेबल और एक होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटीज एक्ट नॉट एप्लीकेबल तो दो कंडीशंस है प्राइवेट में पेमेंट ऑफ ग्रैच्यूरिटीज एक्ट एप्लीकेबल एंड पेमेंट ऑफ ग्रैच्यूरिटीज एक्ट नॉट एप्लीकेबल तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्यूरिटीज एक्ट एप्लीकेबल होगा तो उसमें जो कंडीशंस आपको जो याद रखने हैं दैट कंडीशंस आई एम राइटिंग तो क्या आपको याद रखना है फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस ठीक है काफी सिंपल है 15 बाई ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई एवरेज सैलरी मल्टीप्लेड बाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस ये आपका रूल हो गया सबसे पहला अगर हम इसके बाद बात करें हमारा सेकंड रूल की अगर हम बात करें सेकंड रूल है हमारा मैक्सिमम लिमिट होता है मैक्सिमम लिमिट है ट्वेंटी लैक्स का कितना लिमिट है मैक्सिमम लिमिट है ट्वेंटी लैक्स का और हमारा जो एक्चुअल पॉइंट है जो भी एक्चुअल ग्रैचुअलिटी रिसीव होगी वो हम लेंगे फिर हम ये रूल नंबर वन से कैलकुलेट करेंगे फिर मैक्सिमम लिमिट से कैलकुलेट करेंगे ठीक है यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कभी कभी किसी बंदे का ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ईयर्स एंड सेवन मंथ्स कम्प्लीट हुआ है ट्वेंटी टू ईयर्स एंड एट मंथ्स कम्प्लीट हुआ है तो यहाँ पे आपको राउंडेड फिगर लेना है राउंडेड ऑफ ठीक है प्रॉपरली मतलब ट्वेंटी टू ईयर्स एंड ट्वेंटी टू ईयर्स एंड सेवन मंथ्स हुआ है तो हम ट्वेंटी थ्री ईयर्स लेंगे ट्वेंटी टू ईयर्स एंड वन मंथ हुआ है तो हम ट्वेंटी टू ही लेंगे दैट इज रिलेटेड विद द राउंडेड ऑफ दैट इज नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड अगर हम ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्यिटीज एक्ट नॉट एप्लीकेबल की बात करें तो जितना उसको एक्चुअल ग्रेच्यूरिटी मिला है वो हम लेंगे ये पूरा का पूरा सेम कंडीशन फॉलो करेंगे सिर्फ फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स के जगह पे हम क्या करेंगे हाफ लेंगे मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी हमारा फिक्स रहेगा और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स भी हम सेम लेंगे लेकिन यहाँ पे राउंड फिगर नहीं लेना है जैसे ट्वेंटी टू ईयर्स एंड सेवन मंथ्स हुआ है तो भी हम ट्वेंटी टू ही लेंगे हम ट्वेंटी थ्री नहीं करेंगे एंड मैक्सिमम लिमिट तो आपका फिक्स है मैक्सिमम लिमिट कितना है ट्वेंटी लैक्स का मैक्सिमम लिमिट बन जाएगा तो दैट इज द बेसिक्स ऑफ ग्रैचुअल्टी तो ये बेसिक सिर्फ आपको याद रखने हैं वैसे तो कैलकुलेटिव चीज़ें डायरेक्टली ग्रेचुरिटी के एग्जेमिशंस आपको दिए जाते हैं बट यू शुड रिमेंबर कि हाउ मच इज एग्जाम तो इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉज देन फुल्ली एग्जाम बट इफ़ प्राइवेट एम्प्लॉय देन यू शुड रिमेंबर दिस टू कंसेप्ट वेदर पेमेंट ऑफ ग्रेचुअरिटीज एक्ट इज़ एप्लीकेबल और पेमेंट ऑफ़ ग्रेचुअलिटीज़ एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज़ एप्लीकेबल देन वी विल हैव फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स एंड इफ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल देन विल भी हैविंग वन बाई टू दैट इज हाफ So, क्लियर तो so, हुआ रहेगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये इनिशियटिव अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले ताकि उनके भी ऐसे लास्ट मिनिट रिविजन रिलेटेड टॉपिक्स होते रहे थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर